गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू सो टुडे इज़ इलेवंथ ऑफ जनवरी एंड हम स्टार्ट करते हैं हमारा हिंदू न्यूज़ एनालिसिस जो फर्स्ट न्यूज़ है आज की इट इज़ रिलेटेड टू भोपाल गैस ट्रैजडी तो जैसे कि हमें पता है कि नाइनटीन एटी फोर में भोपाल में बेसिकली एक ट्रेजडी हुई थी तो वहाँ पे एक फैक्ट्री थी पेस्टिसाइड फैक्ट्री दैट इज़ यूनियन कार्बाइड यूनियन करके उसमें से काफ़ी ज़्यादा रात को जो है गैस लीक हो गई थी ओके okay? गैस वॉज मिथाइल आइसोसाइनेट द भोपाल डिजास्टर ऑल्सो नोन एज भोपाल गैस ट्रेजिडी इट वॉज अ केमिकल एक्सीडेंट ऑन द नाइट ऑफ सेकेंड एंड थर्ड डिसम्बर नाइनटीन एटी फोर एट द यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड दिस वॉज द नेम ऑफ दैट इंडस्ट्री एक पेस्टिसाइड प्लांट था तो इसमें से रात को Uh, एक बहुत ज़्यादा अमाउंट में मिथाइल आइसोसाइनाइट करके गैस रिलीज होगी थी हार्मफुल मिथाइल आइसोसाइनाइट गैस स्टार्टेड लीकिंग फ्रॉम द यूनियन कार्बाइड पेस्टिसाइड प्लांट इवेंचुअली रिजल्टिंग इन भोपाल गैस ट्रैजेडी विद इन एस्टिमेटेड थ्री थाउजेंड पीपल डाइड विद इन फर्स्ट फ्यू डेज और उसके बाद भी बहुत सारे लोगों को लाइफ लॉन्ग हेल्थ इश्यूज़ हो गए थे

तो बेसिकली जो ये यूनियन कार्बेट इंडिया लिमिटेड है इस कंपनी के जो ओनर्स हैं उनके ऊपर केस किया गया और उनको कहा गया कि आप इन लोगों को कंपनसेशन दो जो लोग इससे हार्म हुए ठीक है तो उसके लिए उस टाइम पे उस कंपनी ने कुछ पे भी किया लेकिन अब जाके दोबारा से ये केस रीओपन हुआ है तो इस केस में ये कहा गया है कि जो लोग हैं जो पहले कंपनसेशन डिमांड कर रहे थे वो अब ज़्यादा बढ़ गए हैं तो अब दोबारा से यूनियन कॉरपोरेट इंडिया लिमिटेड को और ज़्यादा कंपनसेशन देने के लिए कहा गया है जिसको कि यूनियन कॉरपोरेट लिमिटेड जो है अब मना कर रहा है ओके okay? तो पहले न्यूज़ देख लेते हैं फिर हम लॉस पे आएंगे यूनियन काबाइड कारपोरेशन ऑन ट्यूजडे सेट दैट इट इज़ नॉट विलिंग टू पे अ फादिंग मो इफ द सेटलमेंट विद देंटर नाइनटीन एटी नाइन में सेटलमेंट हो गई थी जो भी वहाँ पे जो लोग थे उनकी तरफ से यूनियन का गवर्नमेंट थी और उधर से कंपनी थी तो उन्होंने फोर सेवेंटी मिलियन दैट इज सेवन हंड्रेड एंड फिफ्टीन करोड़ उस टाइम पे पे किए थे

भी उस टाइम पे सेटलमेंट हुआ था सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ हमने पे कर दिया था उनका ये भी कहना था कि सेंट्रल गवर्नमेंट है कोई वीक पार्टी नहीं थी तो अब आप क्लेम जो है दोबारा से नहीं कर सकते ओके तो अभी ये इस वजह से न्यूज में है Uh, तो थोड़ा सा हम ये देख लेते हैं कि ये जो डिज़ास्टर था दैट वाज इन ये हमने देख लिया कि गैस लीक हो गया था रात को तो उसके बाद उससे पहले कोई ऐसे एक्ट नहीं हुआ करता था कि जो कंपनी है वो पे करेगी नहीं करेगी लेकिन उसके बाद जब 1984 में ये ट्रेजिडी हुई उसके बाद कुछ जो भी एक्ट पास हुए उसमें स्पेसिफिकली ये मैंशन किया गया है कि जो भी पब्लिक सेफ्टी का ध्यान रखा जाएगा और ऐसी जो इंडस्ट्रियल एक्टिविटी में से जो लीकेजेस होती हैं अगर ऐसा कुछ होता है तो कौन लाइबल होगा ओके मेजर लॉस पास नाइनटीन एटी फोर इंक्लूडिंग एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ नाइनटीन एटी सिक्स विच ऑथोराइज यूनियन गवर्नमेंट टू टेक रेलिवेंट मेजर्स एंड रेगुलेट इंडस्ट्रियल एक्टिविटी फॉर एनवायरमेंटल एंड पब्लिक सेफ्टी उसके बाद पब्लिक इंश्योरेंस एक्ट नाइनटीन नाइनटी वन भी पास होता है जो कि पब्लिक लाइबिलिटी करता है फॉर प्रोवाइडिंग इमिजिएट रिलीफ टू परसन अफेक्टेड बाई एक्सीडेंट अगर ऐसा कोई एक्सीडेंट होता है तो जो भी कंपनी है वो इमिजिएट रिलीफ इनको प्रोवाइड करेगी ओके तो दिस वॉज द केस पोस्ट मिड नाइट ऑन थर्ड डिसंबर नाइनटीन एटी फोर मिथाइल आइसोसाइनाइट दिस इज द फॉर्मूला ऑफ मिथाइल आइसोसाइनाइट ये फार्मूला आप याद रख लेना लीकड फ्रॉम पेस्टिसाइड प्लांट ऑफ यूनियन कार्बाइड अब इसको डो केमिकल्स कहा जाता है इट इज एस्टिमेटेड दैट फोर्टी टन ऑफ गैस एंड अदर केमिकल्स लीकड फ्रॉम यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री मिथाइल आइसोसाइनाइट इज एक्सट्रीमली टॉक्सिक गैस एंड इफ इट्स कंसनट्रेशन इन एयर टचेज ट्वेंटी वन पी पी एम इट कैन कॉज डेथ विद इन मिनट्स ऑफ इनहेलिंग द गैस तो ये काफ़ी ज़्यादा जो है डेंजरस जो गैस है ओके okay? तो ये है यहाँ पे काबर्ट प्लांट तो ये सारा एरिया जो है इफ़ेक्ट हो गया था इससे कितनी ज़्यादा दूर तक देखो ये जो गैस है ये चली गई थी नेक्स्ट जो न्यूज़ है आरबीआई ने लॉकर मैनेजमेंट uh, के रूल्स को रिवाइज़ किया है सो so, बेसिकली एक केस हुआ था अमिताभ दास गुप्ता वर्सेस यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया करके तो अमिताभ दास गुप्ता जी का इनका अकाउंट था इस बैंक में लॉकर था यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में यूनियन बैंक के कस्टमर थे ये तो हुआ क्या कि इन्होंने अपना जो लॉकर जब भी, भी आप बैंक में लॉकर लेते हो तो आपको कुछ चार्जेस पे करने पड़ते हैं तो इन्होंने कुछ चार्जेस पे नहीं किए और जिस वजह से बैंक ने इनको बिना बताए इनका लॉक लॉकर जो है वो ब्रेक कर दिया उनको तोड़ दिया लॉकर को तोड़ दिया और फिर जाके जब इनको बुलाया गया अमिताभ दास गुप्ता को तो इनकी कुछ ज्वेलरी थी तो इनका कहना था कि मैंने सेवन ऑर्नामेंट्स रखे थे और उसमें से सिर्फ दो ही मुझे मिले तो एक तो मेरी परमिशन के बिना मुझे बताए बिना आपने जो है लॉकर वो तोड़ा और दूसरा ये है कि आ, आपने ये मेरे ऑर्नामेंट्स जो हैं वो कहाँ गए तो इस वजह से इन्होंने जाके केस कर दिया कोर्ट में और कोर्ट में जो बैंक है बैंक ने ये एडमिट किया कि हमने इनकरेक्टली इनका लॉकर जो है वो ब्रेक किया हमसे गलती होगी और उन्होंने इसकी माफ़ी भी मांगी और कंपनसेशन भी पे किया ओके कंपनसेशन भी पे किया लेकिन जब ये केस गया कोर्ट के पास तो कोर्ट ने देखा कि बहुत ज़्यादा इसमें मिसमैनेजमेंट है लॉकर्स मैनेजमेंट में लॉकर्स को प्रॉपर्ली मैनेज नहीं किया जाता कोई प्रॉपरली रूल्स और रेगुलेशन नहीं है तो इस वजह से सुप्रीम कोर्ट ने कुछ इनको गाइडलाइंस दी बैंक्स को आरबीआई को और उस आरबीआई उन गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग फाइनली लॉकर मैनेजमेंट के जो रूल्स हैं उनको रिवाइज किया गया है क्लियर तो आपको ऐसे डिटेल लॉज रूल्स पढ़ने की जरूरत नहीं है लेकिन थोड़ा सा आपको आइडिया होना चाहिए इस केस का अमिताभ दास गुप्ता कि इनको जो है इनका जो यूनियन बैंक ने इनसे बिना पूछे इनको बिना बताए इनका लॉकर तोड़ दिया गया और इनके जो ऑर्नामेंट्स थे वो भी इनको नहीं मिले तो बैंक ने इनको अपोलोजाइज किया माफ़ी मांगी और जो भी कंपनसेशन था वो भी पे किया ओके और अब उसके बाद क्या क्या चेंजेस हैं कि जब भी बैंक्स अब दो तरह के अकाउंट्स होते हैं बैंक में आपके एक तो होते तो हैं ऑपरेटिव अकाउंट आप जा रहे हो कंटिन्यूसली ऑपरेट कर रहे हो रोज़ ट्रांजेक्शन्स कर रहे हो एक होता है कि अकाउंट वो डेड अकाउंट है उसमें कोई बहुत ज़्यादा ट्रांजेक्शन्स नहीं हो रहे बस एक अकाउंट खोल के रख दिया है तो अब अगर कोई ऐसा अकाउंट है जिसके जिसमें जिस अकाउंट में हम कंटिन्यूसली कोई ट्रांजेक्शन्स नहीं कर रहे या कंटिन्यूसली उसको मैनेज नहीं कर रहे तो उस केसेस में क्या होगा अगर उस अकाउंट के साथ आपने लॉकर लिया हुआ है तो बैंक जो क्या करेगा बैंक लॉकर का कुछ ना कुछ रेंट लेता है तो बैंक उस लॉकर का ऐसे अकाउंट का जो ऑपरेटिव नहीं है उसका तीन साल का पहले ही रेंट लेके रख लेगा ठीक है पहले ही एक टर्म डिपॉजिट लेके रख लेगा और उसी में जो हाँ हमारा जो रेंट है वो पे कर, करते रहेगा बैंक अपने आप से तीन साल तक का अगर एक अकाउंट ऑपरेटिव है तो उसमें बैंक को कोई इतना इशू नहीं है ओके okay? While अलॉटिंग लॉकर बैंक हैव टू एंटर एन एग्रीमेंट विद द कस्टमर ऑन ड्यूली स्टैम्प्ड पेपर जो एक कॉपी दोनों को दी जाएगी और उसमें जो है प्रोविजंस बताए जाएंगे सेफ्टी ऑफ लॉकर मैनेजमेंट रेंट कलेक्शन ये सब कुछ जो है उस पर मैंशन होगा बैंक्स जो हैं वो टर्म डिपॉजिट ले सकते हैं कंज्यूमर से तीन साल का तीन साल के रेंट का वो टर्म डिपॉजिट जो है पहले ही ले सकते हैं ये बैंक्स के डिस्क्रिप्शन है ओके द सेंट्रल आइडिया हेयर इज टू इंश्योर द प्रॉम्प पेमेंट ऑफ लॉकर रेंट अगर मर्जर होता है जैसे आपका किसी ब्रांच में लॉकर है वो ब्रांच मर्ज हो गई तो बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी कि उस फिजिकली जब भी लॉकर को रीलोकेट करना है तो बैंक क्या करेंगे अगर मर्जर होना है अगर लॉकर कहीं और जा रहा है तो बैंक जो हैं वो पहले ही दो न्यूज़पेपर्स में नोटिस देंगे दो महीने पहले और लोगों को बताया जाएगा कि या तो आप अपना अगर आप बंद कराना चाहते हो लॉकर बंद कर लो या चेंज कर लो ओके तो ये सब कुछ इसमें है और बैंक्स जो है वो किसी भी तरीके से जो लॉकर के अंदर के कंटेंट्स हैं उसके लिए कोई भी इंश्योरेंस प्रोडक्ट नहीं सेल कर सकते ओके वो किसी भी तरीके से आपका जो सामान लॉकर में पड़ा है उसको इंश्योर नहीं करवा सकते ओके okay. कस्टमर्स के लिए क्या है कस्टमर्स के लिए एक नया प्रॉपर स्टैंडिंग और प्रोटिंग प्रोसीजर है अगर की गुम हो जाती है तो इमीजिएट बैंक्स को इन्फॉर्म uh, करना है पासवर्ड्स के लिए इमिजिएट बैंक्स को इन्फॉर्म करना है वो आपको प्रोवाइड करेंगे दे मस्ट है इन्फॉर्म द यूजर इन अकॉर्डेबल टू विद्रॉ द डिपॉजिटेड कंटेंट्स अगर तीन साल तक आपने रेंट नहीं पे किया सपोज करो लॉकर का तीन साल तक रेंट नहीं पे किया तो बैंक जो है उस लॉकर को अपने डिस्क्रिप्शन पे खोल सकते हैं और उस जब वो बैंक तीन साल तक हमने लॉकर को कुछ रेंट नहीं पे किया बैंक जो है लॉकर खोलेंगे तो बैंक जो है उस लॉकर खोलने से पहले जिसका भी लॉकर होगा उसको टाइम देंगे रीजनेबल अपॉर्चुनिटी देंगे कि अपने जो कंटेंट्स हैं उनको वहां से आप निकाल लो तो ये सब कुछ इसमें बताया गया है और अगर बैंक का लॉकर खोलना भी पड़ा तो वो एक बैंक ऑफिसर की प्रेजेंस में होगा और दो इंडिपेंडेंट विटनेस की प्रेजेंस में होगा और जो सारे का सारा प्रोसेस है उसको ये वीडियो रिकॉर्डिंग उसका किया जाएगा क्लियर तो ये कुछ चेंजेस हैं बैंक के लॉकर से रिलेटेड तो इसमें भी कुछ चेंजेस और बताए गए हैं जैसे कि आर ने यह बोला है कि एक तो आपको सी सी इंस्टॉल करने पड़ेंगे लॉकर रूम्स में अब यह कंपल्सरी हो गया इट हैज़ ऑल्सो आज द बैंक टू कीप द डेटा ऑफ सी सी टी वी फॉर वन एट्टी डेज मेक द अवेलेबिलिटी ऑफ लॉकर पब्लिक जो भी लॉकरस की इंफॉर्मेशन है वो आप एक अपने ब्रांच में डिस्प्ले करोगे बोर्ड के ऊपर ओके उसके बाद एस एम एस अलर्ट्स जाएंगे लोगों को और रेंट ऑफ लॉकर जो है आप तीन साल का पहले ही एडवांस जो है ले सकते हो नेक्स्ट जो न्यूज है इट इज़ रिलेटेड टू असाम अकॉर्ड कॉन्स्टिट्यूशन बेंच टू टेक अप सेक्शन ए ऑफ द सिटीजनशिप एक्ट फॉर प्रीलिमिनरी डिस्क्रिमिनेशन फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अंडरस्टैंड वॉट इज सेक्शन सिक्स ए बेसिकली सेक्शन सेक्शन एंड एंड बेसिकलीस ए के बीच का इशू चला हुआ है तो सबसे पहले हम सिक्स ए समझते हैं एंड वॉट इज असाम अकॉर्ड तो जैसे कि ये जो सिक्स ए है इन सिटीजनशिप एक्ट नाइनटीन फिफ्टी फाइव It the with to of the हुआ क्या की हमें पता है की नाइनटीन फोर्टी सेवन में इंडिपेंडेंस हो गया उसके बाद जो आसाम का रीजन था उसमें कई सारे बेसिकली uh, एक प्रॉब्लम चल रहा था माइग्रेंट का इलीगल माइग्रेंट्स का इशू चलता रहता था बेसिकली क्योंकि बांग्लादेश पास था पाकिस्तान तो उसमें से लोग माइग्रेट करके कंटिन्यूसली असम में आते रहते थे और असम के जो नेटिव्स हैं, वो इससे परेशान थे लेकिन इतना सीरियस इशू नहीं था ये ये हुआ जो सीरियस इशू आफ्टर नाइनटीन तो नाइनटीन में बांग्लादेश वॉर हुई जिसमें बांग्लादेश को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर किया गया तो उस वॉर के बाद बहुत ज्यादातर अमाउंट uh, में बहुत ज्यादा नंबर में जो लोग हैं वो असम में माइग्रेट कर गए बांग्लादेश से तो अब जब इतने ज़्यादा लोग माइग्रेट कर गए तो असम के जो लोग हैं वहाँ पे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो गई और ये सारी बातें हो गई तो इस वजह से असम के लोगों ने असम में एक ग्रुप बना एस करके उन्होंने इस चीज़ को लेके प्रोटेस्ट करना शुरू किया कि जो भी ये बाहर के लोग आ रहे हैं आप इनको आसाम में से निकालो उनका ये कहना था कि जो फॉरनर्स आसाम में आए हैं उनको डिपोर्ट करना पड़ेगा आपको तो ये इन्होंने कंटिन्यूसली काफ़ी ज़्यादा इनका जो मूवमेंट था वो चला और गवर्नमेंट के साथ इन्होंने पोलिटिकल इंस्टेबिलिटी और ये एथनिक वायलेंस वगैरह ये सब चलता रहा आसाम में और फाइनली नाइनटीन सेवेंटी नाइन टू एटी फाइव जब ये चला और फाइनली नाइनटीन एटी फाइव में और आसाम गवर्नमेंट के साथ मिलकर सेंट्रल गवर्नमेंट ने अकॉर्ड साइन किया जिसको कहा गया असाम अकॉर्ड ओके तो राजीव गांधी गवर्नमेंट थी उस टाइम सेंटर में तो उन्होंने आसाम के साथ जो है ये अग्रीमेंट साइन किया तो आसाम अकॉर्ड का पहले हम पढ़ते हैं कि क्या था ऑल दो फॉरनर्स फुल सिटीजनशिप इंक्लूडिंग राइट टू वोट तो नाइनटीन फिफ्टी वन और सिक्सटी वन के बीच के जो भी लोग आसाम में आ गए उनको ये कहते हैं हम फुल सिटीजनशिप दे देंगे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है जो 1971 से बाद आए असम में उनको डिपोर्ट किया जाएगा एज पर द असम अकॉर्ड जो 61 और 71 के बीच में आए ठीक है अब 1951 61 वालों को तो सिटीजनशिप दे दी जो 71 और 61 के बीच में आए इनको कहा गया कि ये इनको भी सिटीजनशिप दे देंगे बस इनको 10 साल के लिए ये वोट नहीं कर पाएंगे दस साल के लिए वोट नहीं कर पाएंगे दस साल के बाद ये वोट जो है कर सकते हैं तो बेसिकली जो 1971 से पहले के जितने भी लोग असम में एंटर कर गए थे उनको सिटीजनशिप दी जाएगी जो 1971 के बाद वाले हैं उनको डिपोर्ट किया जाएगा तो ये असाम अकॉर्ड में, में मेंशन था अब अब हमारा जो सिटीजनशिप एक्ट है सिटीजनशिप एक्ट नाइनटीन उसमें एक सेक्शन सिक्स है ओके okay, जो कि डील करता है माइग्रेंट से ओके okay, कि जो माइग्रेंट्स हैं वो जब इंडिया में आए तो उनके लिए सिटीजनशिप प्रोविजंस प्रोविजन्स क्या हैं उनसे डील करता है तो सेक्शन सिक्स में 1948 जो है वो दिया गया है कि 1948 से पहले पहले जो भी लोग जो हैं माइग्रेट करके इंडिया में आके उन्हीं को सिटीजनशिप मिलेगा ओके okay? यहाँ पे हमने सिटीजनशिप उनको दिया जो 1971 से पहले आए तो इस वजह से सेक्शन सिक्स के साथ एक नया सेक्शन इंट्रोड्यूस करना पड़ा सेक्शन सिक्स ओके सिर्फ और सिर्फ इन लोगों के लिए असाम अकॉर्ड के जो भी प्रोविजन्स थे उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए सेक्शन सिक्स ए वहाँ पे हमने ऐड करना पड़ा अब प्रॉब्लम दो इन दोनों सेक्शन के बीच में है सिक्स वर्सेज सिक्स ए कि सिक्स में तो नाइनटीन डेट है तो 6 ए तो एक तरह से उसको वॉलेट कर रहा है 1971 का डेट देकर ओके okay, तो यही एक न्यूज़ चली हुई है देखो इसको सेक्शन 6 ए वाज अ स्पेशल प्रोविजन इंसर्टेड इनटू द 1955 एक्ट इन फर्दरेंस ऑफ द मेमोरेंडम ऑफ सेटलमेंट कॉल्ड द असम अकॉर्ड साइंड ऑन 15th अगस्त 1985 अंडर सेक्शन 6 ए फॉरेनर्स हु हैड एंटर असम बिफोर 1st जनवरी 1966 ली रेजिडेंट्स इन द स्टेट और इनको सारे जो है राइट दिए जाएंगे जो नाइनटीन सेवनटी वन और इसके बीच में आए उनको वोटिंग राइट्स नहीं मिलेंगे दस साल के लिए बाकी सारे राइट्स मिलेंगे ओके अब अगर हम ये कह रहे हैं कि ये डिस्क्रिमिनेटरी है आर्टिकल सिक्स सेक्शन सिक्स क्यों क्योंकि आर्टिकल सिक्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है उन्होंने जो माइग्रेंट्स की कट ऑफ डेट है वो जुलाई नाइनटीन नाइनटीन फोर्टी एट रख दी है तो इसके बाद जो लोग आए हैं वो इलीगल हैं तो एक आर्टिकल सिक्स में ये कहा गया है और इसमें सेक्शन सिक्स ए में ये कहा गया है तो इन दोनों के बीच में जो इशू है ये चली जा रहा है अब इसको फाइनली फोर्टीन फरवरी को सुप्रीम कोर्ट दिखेगा कि क्या ये जो सेक्शन सिक्स ए है वो आर्टिकल सिक्स को वॉलेट करता है कि नहीं करता क्लियर

आगे की जो न्यूज़ है इट इज़ अबाउट द एयर क्वालिटी तो एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2019 में एक प्रोग्राम शुरू किया था जिसका नाम था नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम ओके तो नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के लिए क्या किया गया था कुछ सिटीज थी ठीक है पूरे कंट्री में से 132 सिटीज चूज की गई थी जिनकी जो एयर क्वालिटी है वो काफ़ी ज्यादा पुअर थी और एयर क्वालिटी बिल्कुल नेशनल जो हमारे स्टैंडर्ड्स हैं उनसे बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी तो ऐसे 132 थर्टी टू सिटीज़ चूज़ किए गए थे और इन सिटीज़ को कहा गया नॉन अटेनमेंट सिटीज़ ओके ये ध्यान में याद रखना नॉन अटेनमेंट सिटीज़ तो पूरे इंडिया की सिटीज़ को का एयर क्वालिटी डेटा देखा गया 2011 से 2015 के बीच का और इसमें से 132 थर्टी टू सिटीज चूज़ किए गए जिनकी एयर क्वालिटी जो हमारे नॉर्मल स्टैंडर्ड्स थे उनसे मैच नहीं करती तो उनको पुअर एयर क्वालिटी कैटेगरी वाली सिटीज़ थी और इन सिटीज़ को नाम दिया गया नॉन अटेनमेंट सिटीज़ क्लियर अब इन सिटीज़ के लिए स्पेसिफिक प्रोग्राम शुरू किया गया और ये कहा गया कि ये जो सिटीज़ हैं उस टाइम पे 2019 ईयर था कि 2019 से लेके 2024 तक ये जो सिटीज़ हैं ये अपने अपने लेवल पे अपना जो पोल्यूशन है उसको कट करेंगी बाय 30 परसेंट ठीक है 20 टू 30 परसेंट रिडक्शन करना है हर सिटी ने अपने लेवल पे और किस किस चीज में दो मेन पोल्यूटेंट्स की बात हुई पीएम 2.5 पार्टिकुलेट मैटर टू पॉइंट माइक्रोमीटर पी एम टू पॉइंट इज द साइज ओके माइक्रोमीटर जो मीटर का पार्ट होता है तो इतना छोटे जो जो ये पार्टिकल्स होते हैं तो पीएम एम टू पॉइंट फाइव एंड पीएम एम टेन पार्टिकल्स को आपने अपनी सिटी में रिड्यूस करना है थर्टी परसेंट बाई ट्वेंटी ट्वेंटी फोर ओके तो ट्वेंटीन में प्रोग्राम शुरू हुआ ट्वेंटी ट्वेंटी फोर तक प्रोग्राम चला पोल्यूशन लेवल लिया गया ट्वेंटी सेवनटीन का ओके ट्वेंटी नाइनटीन में कब से कब तक कम करना है ट्वेंटी सेवनटीन में जितना था उससे थर्टी परसेंट कम करना है ट्वेंटी फोर तक ओके तो ये पल, इनका लेवल लिया गया और अभी हम देख रहे हैं तो दिस वॉज द प्रोग्राम वर्ल्ड बैंक ने और सब ने इसको सपोर्ट किया ट्वेंटी थर्टी परसेंट बाई ट्वेंटी ट्वेंटी फोर ये करना था सिटी स्पेसिफिक एयर पोल्यूशन सेंटर्स के थ्रू ये काम होना था तो अभी हम देख रहे हैं कि ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री शुरू हो गया है और चेक किया गया इस प्रोग्राम को कि ये कैसे वर्क कर रहा है तो ये कहा गया है कि ये जो वन थर्टी वन सिटीज जो प्लान सिटीज थी उसमें से सिर्फ और सिर्फ फोर्टी नाइन सिटीज में ही काम जो है वो ठीक हुआ है सिर्फ और सिर्फ फोर्टी नाइन सिटीज में ही एयर जो है वो इम्प्रूव हुई है ओके okay? तो सिर्फ थर्टी एट सिटीज थी जो इसके उप, जो इसके ऊपर काम कर रही थी जिनको टारगेट्स मिले थे और उसमें थर्ड से और कुछ सिटीज ने ही काम अच्छा किया है बाकी सिटीज में अभी तक जो सिचुएशन है वो सुधरी नहीं है और अभी जो है इस साल तक इनको पंद्रह परसेंट रिडक्शन करनी थी अगले साल तक थर्टी परसेंट लेकिन वो नहीं हो पाई ओके okay? तो अब इनका ये भी कहना है कि थ्री हंड्रेड एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग सेंटर्स हैं इन सिटीज में जबकि अगर आपको ये टारगेट अचीव करना है तो आपको पंद्रह सौ सेंटर्स चाहिए होंगे और एक ही साल रह गया है तो अब ये प्रोग्राम कैसे वर्क करेगा क्या इसके जजमेंट्स आएंगे ये अभी क्लियर नहीं है ओके एयर पोल्यूशन इज अ मेजर इन्वायरमेंटल रिस्क टू हेल्थ इसमें कोई डाउट नहीं है तो ये एयर पोल्यूशन क्या क्या डिजीजेस कॉज कर सकता है ये सब इसमें बताया गया है उसके बाद जो है पी एम टेन एंड पी एम टू पॉइंट फाइव के बारे में देख लेते हैं दिस इज ह्यूमन हेयर ह्यूमन हेयर का जो साइज है सिक्सटी माइक्रोमीटर होता है जैसे पी एम टेन टेन माइक्रोमीटर पी एम टू पॉइंट फाइव इससे भी छोटा ये साइज़ कंपेयर करके बताया गया है जो पी एम टेन है दे आर इनहेलेबल पार्टिकल्स ये इतने स्मॉल होते हैं तो एयर में रहते हैं तो इनको हम इनहेल भी कर सकते हैं ये हमारे जो थ्रेसिस कैविटी है जो लंग्स हैं उसमें डिपॉजिट हो जाते हैं पीएम टू पॉइंट फाइव इससे भी छोटा हो गया ये लंग्स में डिपॉजिट हो जाते हैं पी एम पॉइंट वन ये सबसे छोटा पार्टिकल हो गया अल्ट्राफाइन ये हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम हमारे ब्लड सिस्टम में भी जा सकते हैं ओके okay? तो ये कितने छोटे साइज हैं ये देखो ये बताया गया है तो पी एम टू पॉइंट फाइव इट कैन कॉज शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ वीजिंग कफिंग चेस्ट पेन फटीक ओजोन क्या क्या कर सकता है ये सब हमें इसमें बताया गया है क्लियर नेक्स्ट जो न्यूज है इट इज ये आर्टिकल है एक अच्छा आर्टिकल है यूनियन गवर्नमेंट सेंड्स आउट अ मैसेज ऑफ यूनिटी एंड कॉन्फिलेंस सो बेसिकली हम uh, अभी कभी भी हम बात करते हैं तो हम सेंटर गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट दोनों एक ही कभी हम सेंट्रल गवर्नमेंट वर्ड यूज कर लेते हैं कभी यूनियन गवर्नमेंट वर्ड यूज कर लेते हैं कॉमन लैंग्वेज में भी लेकिन अब तमिलनाडु गवर्नमेंट ने एक डिसीजन लिया है तमिलनाडु गवर्नमेंट ने बोला कि हम अपने कभी कोई भी ऑफिशियल कम्युनिकेशन में सेंट्रल गवर्नमेंट वर्ड नहीं यूज करेंगे हम यूनियन गवर्नमेंट वर्ड जो है वो यूज करेंगे क्लियर तो सेंट्रल गवर्नमेंट ना यूज करके यूनियन गवर्नमेंट वर्ड यूज़ करेंगे तो अब हम देखते हैं कि ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट और ये यूनियन गवर्नमेंट वर्ड्स हैं ये आए कहाँ से तो अगर हम हमारा कॉन्स्टिट्यूशन देखते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पे भी सेंट्रल गवर्नमेंट वर्ड नहीं बताया गया कॉन्स्टिट्यूशन में जो मेंशन किया गया है दैट इज यूनियन ऑफ स्टेट्स कि इंडिया दैट इज भारत शेल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट तो अगर हम पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में देखें तो सेंटर या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट कहीं पे भी हमें नहीं मिलेगा ओके असेंबली डिड नॉट यूज द टर्म सेंटर और सेंट्रल गवर्नमेंट इन ऑल ऑफ थ्री नाइन टू पार्ट इन एट शेड्यूल्स कहीं पे भी सेंटर या सेंट्रल गवर्नमेंट वर्ड नहीं लिया गया तो सेंट्रल गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट क्यों आ गया कहाँ से आया ये वर्ड तो ये कहा गया है कि एक एक्ट है जनरल क्लॉजेक्ट एक्ट 1897 तो इस जनरल क्लॉजेज एक्ट 1897 में सेंट्रल uh, गवर्नमेंट के बारे में मेंशन किया गया है और सेंट्रल गवर्नमेंट किसको कहा गया है सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस इज द प्रेसिडेंट आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ओके okay? तो ये सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे कहा गया है लेकिन अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन में बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन में सेंट्रल गवर्नमेंट वर्ड इसलिए नहीं यूज किया गया कि उससे ये लगेगा कि आप सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर्स दे रहे हो जबकि ऐसा नहीं है हमें पता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत क्लियरली यूनियन और स्टेट के बीच में पावर्स जो हैं वो डिवाइड की गई हैं तो ये कुछ अच्छी इन्फॉर्मेशन आपको प्रिलिम्स मीन दोनों में काम आ सकती है तो सबसे पहले हमें पता है कि 1946 13 सिक्स जवाहरलाल नेहरू ने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशंस जो हैं, वो है वो इंट्रोड्यूस किए जिसके बेसिस पे हमारा प्रेम्बल है आज का है ना तो उसमें यही कहा गया था कि जो इंडिया है इंडिया विल बी एन इंडिपेंडेंट सॉवरिन रिपब्लिक एंड इंडिया शेल बी अन ऑफ स्टेट ओके तो ये बी आर अम्बेदकर ने भी यही कहा कि इंडियन यूनियन इज इंडिस्ट्रक्टेबल इंडियन यूनियन का ये मतलब नहीं है कि स्टेट्स कोई एग्रीमेंट से इंडिया के साथ जुड़ी हुई हैं नो no. स्टेट्स जो हैं वो इनडिस्ट्रक्टेबल पार्ट हैं स्टेट्स जो हैं इंडिया से अलग नहीं हो सकती है ना ड्राफ्टिंग कमेटी ने भी यही कहा India was to be a federation. It was not the result of agreement, and therefore, no state has right to secede from it. The federation is a union because it is indestructible. Okay, so तो ये वहाँ उस time पे जब ये constituent assembly में इसके ऊपर debate भी हुआ तो यही कहा गया कि union word इसलिए हमने लेना है okay? ये कहा गया है इसमें कि पहले cabinet mission के according इनका जो plan था कि हम जो है सेंटर जो स्टेट्स को हैं उनको ज्यादा पावर्स देंगे ओके okay? तो पहले ये प्लान था लेकिन फिर इन्होंने देखा कि कश्मीर का इशू हो गया और पार्टीशन का इशू हो गया और बहुत ज्यादा वॉयेंस हुआ तो फिर उस टाइम पे कॉन्स्टिट्यूट असेंबली ने अपना माइंड चेंज किया और उन्होंने स्ट्रोंग सेंटर वाले प्रोविजन्स को ही प्रमोट किया ओके okay? तो पहले था कि स्टेट्स को स्ट्रांग करना है लेकिन ये पार्टीशन और सबकी वजह से इन्होंने फिर स्ट्रांग सेंटर वाले को ही आगे प्रमोट किया ओके okay? जो बैक टू दिस पॉइंट कि बी आर अम्बेदकर ने ये बोला कि इंडिया जो है वो यूनियन ऑफ़ स्टेट्स होगा ठीक है जो फेडरेशन है ये यूनियन है क्योंकि इंडस्ट्रक्टेबल है और इस चीज़ को उस टाइम पे जब ये डिबेट चल रही थी तो कॉन्स्टिट असेंबली के एक मेंबर हैं मौलाना हसरत मोहानी उन्होंने इस चीज़ को कंडेम भी किया उन्होंने ये बोला कि यूनियन बोलने से आप रिपब्लिक वर्ड को वो कर रहे हो कि यूनियन की बजाय रिपब्लिक ऑफ़ स्टेट्स होना चाहिए ओके okay? कि यूनियन बोल के तो आप ये कह रहे हो कि एक तरीके से यूनियन ही सोल अथॉरिटी होगा स्टेट्स का कोई रोल नहीं होगा तो आपको रिपब्लिक वर्ड यूज करना चाहिए तो उस टाइम पे ये डिबेट हुई तो उसके जवाब में बी आर अम्बेडकर ने कहा कि यूनियन इज नॉट अ लीग ऑफ स्टेट्स यूनाइटेड इन अ लूज रिलेशनशिप नॉर आर द स्टेट्स आर एजेंसीज ऑफ यूनियन कि ना तो यूनियन को ये रिलेशनशिप है लूज सा रिलेशनशिप है ना ही स्टेट्स कोई एजेंट है सेंटर के दोनों ही यूनियन और स्टेट्स दोनों ही कॉन्स्टिट्यूशन ने बनाए हैं दोनों की जो पावर एंड अथॉरिटी है वो हमें कॉन्स्टिट्यूशन से मिलती है कोई किसी के सबॉर्डिनेट नहीं है कोशिश करी गई है कि दोनों कोऑर्डिनेट करके एक दूसरे से मिलकर काम करें लेकिन अगर हम कहें कि स्टेट्स जो सेंटर uh, सुपीरियर है स्टेट्स उनके नीचे हैं ऐसा कहीं पे भी नहीं है दोनों ने ही अपनी अपनी जो पावर्स हैं वो इससे डिराइव की हैं कॉन्स्टिट्यूशन में और इनका कहना है कि जुडिशरी में भी चाहे हम कहते हैं कि हर है कोर्ट सुप्रीम कोर्ट है फिर हाई कोर्ट है लेकिन अगर हम देखें तो कहीं पे भी कॉन्स्टिट्यूशन में ये नहीं मेंशन किया गया कि जो हाई कोर्ट्स हैं वो सुप्रीम कोर्ट के अंडर आते हैं ऐसा कहीं नहीं बताया गया इवन हम ये भी पढ़ते हैं पॉलिटी में कि जो रिट जो की पावर है रिट्स की जो पावर है वो हाई कोर्ट की ज्यादा है एज कम्पेयर टू सुप्रीम कोर्ट है ना तो ये कहा गया कि कहीं पे भी हाई कोर्ट क्या इवन कि ये भी नहीं कहा गया कि ट्राइब्यूनल या कोई भी कोर्ट जो है वो किसी के भी सुप्रीम कोर्ट के सबॉर्डिनेट होंगे तो ऐसा कहीं पे भी कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं बताया गया तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप इसको नोट डाउन करो ओके okay? वो कह रहे हैं कि हमने सेंटर या सेंट्रल गवर्नमेंट इसलिए नहीं यूज किया क्योंकि इससे फिर सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी दिखती है कि ये एक सेंट्रलाइज पावर है लेकिन ऐसा नहीं है इवन दो नेचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज एस बेसिक फीचर

क्लियर तो इसमें कई सारी बातें आपके काम की आ सकती हैं नेक्स्ट जो न्यूज है इट इज़ अबाउट तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश तो हमें पता है कि पहले आंध्र प्रदेश हुआ करता था उसके बाद आंध्र प्रदेश में से एक स्टेट निकलता है तेलंगाना ओके okay? तो ये तेलंगाना जो है ठीक है ये बायोफोकेट आंध्र प्रदेश को बायोफोकेट करके ये इधर का जो रीजन है ये कोस्टल आंध्र प्रदेश बन गया और ये तेलंगाना जो है अलग से बन गया तो दिस वाज द ट्वेंटी नाइन्थ स्टेट ओके आंध्र प्रदेश में तो सो तेलंगाना बना तो अब इस चीज़ को बने हुए तो आठ साल हो चुके हैं एट ईयर्स हो चुके हैं लेकिन कुछ चीज़ें हैं अब जैसे फॉर एग्जाम्पल जब ये बनी स्टेट्स तो बायोफोकेशन हो गया इनका लेकिन कुछ चीज़ों के ऊपर अभी भी इनके इशूज़ चले हुए हैं जो कि हैं कि डिविजन ऑफ एसिड्स ओके द डिवीजन ऑफ एसेट्स तो अब कोई हेड क्वार्टर्स हैं ओके तो आंध्र प्रदेश उस टाइम सेक्ट्रिएट हैं तो so, उनके जो एसेट्स हैं उनको कैसे डिवाइड करना है लैंड है कोई गवर्नमेंट की तो so, उनको कैसे डिवाइड करें बिटवीन हैदराबाद एंड तेलंगाना तो so, ये कैसे है so, इस तो इसमें बेसिकली एक इन्होंने कमेटी बनाई तो कमेटी ने ये कहा कि जिस जिस सॉरी <coughs> <coughs> कि जिस रीजन के अंदर जो चीज आती है आप वो ले लो ठीक है कि फॉर एग्जांपल कोई यहाँ की लैंड है तो ये तेलंगाना के अंडर गई यहाँ की जो लैंड है वो आंध्र प्रदेश के अंडर आ गई कि इसके ऊपर इतनी बहस करने की जरूरत नहीं है जो प्रॉब्लम है वो क्वार्टर्स पे है कि जैसे वो आंध्र प्रदेश के क्वार्टर्स हैं जैसे आंध्र प्रदेश भवन है दिल्ली में तो ऐसे और अलग अलग शहरों में इनका जो हेडक्वार्टर्स है उनके उनको हम कैसे डिवाइड करें ओके okay, तो उनके एसेट्स को कैसे डिवाइड करना है कुछ गवर्नमेंट ओन्ड कंपनीज भी हैं जिनके पास अच्छी खासी लैंड है उनको कैसे डिवाइड करना है तो उसके बीच में जो बहस है इन दोनों के बीच में चली हुई है तो एक कमेटी बनी थी शीला भिड़े कमेटी तो शीला भिड़े कमेटी ने इनको बाइफकेट करके दे दिया कि ऐसे ऐसे आप डिवाइड कर लो लेकिन उनको स्टेट्स नहीं एग्री कर रही उस कमेटी के जो भी सजेशंस uh, हैं उनको नहीं माना जा रहा तो अब फाइनली ये जो मैटर है ये कोर्ट के पास गया है सुप्रीम कोर्ट के पास कि सुप्रीम कोर्ट ही अब ये जो एसेट्स और लाइबिलिटीज हैं उनको इक्विटेबली डिस्ट्रीब्यूट अब जो सुप्रीम कोर्ट ही है वो कर सकता है मोर देन एट ईयर्स आफ्टर द बाइफन ऑफ फर्स्ट वाई आंध्र प्रदेश डिवीजन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज बिटवीन द टू स्टेट्स रिमेन इल्यूसिव एज द स्टेट्स मेक देयर ओन इंटरप्रिटेशन हर स्टेट दोनों स्टेट्स के अपने अपने इंटरप्रिटेशन है और फाइनली ये जो मैटर है अब ये कोर्ट में चला गया है ठीक है तो नाइन्टी वन इंस्टीट्यूशन एक शेड्यूल एक में हैं वन फोर्टी टू इंस्टीट्यूशन एक शेड्यूल में हैं और अगर इनकी टोटल वैल्यूएशन देखें तो इट वॉज़ वन पॉइंट फोर टू लैख करोड़ ओके okay? जिसको लेके इनकी जो डिसीजन है वो नहीं आ पा रहा कमेटी का आप नाम याद रखो शीला भिड़े कमेटी जिन्होंने बताया है कि कैसे कैसे करना है लेकिन उस चीज को ये लोग नहीं मान रहे ओके एसेट्स दैट आर नॉट पार्ट ऑफ हेड क्वार्टर अट्रैक्टेड क्रिटिसिज्म फ्रॉम द तेलंगाना गवर्नमेंट की कैसे डिवाइड करना है कुछ इन्होंने इसमें कंपनीज का नाम बताया है आर एंड डी जो जिनके की बहुत बड़े बड़े लैंड पार्सल्स हैं तो इनको कैसे डिवाइड करना है ये भी अभी तक क्लियर नहीं है आंध्र प्रदेश भवन है न्यू दिल्ली में उनको कैसे डिवाइड करना है ये सब कुछ एक्स में मेंशन नहीं किया गया तो दोनों स्टेट्स के अलग अलग व्यूज हैं एज इट इज़ आपको ये सब में नहीं पढ़ने की जरूरत आपसे नहीं पूछा जाएगा बस एक जो केस है वो आप याद रख लो कि ये कैसा चला हुआ है और फाइनली ये जो मैटर है अब ये कोर्ट के पास चला गया है नाउ कोर्ट विल डिसाइड कि किसको कौन सी जगह जो है वो मिलेगी क्लियर सो so, ये उस टाइम का जो डिवीजन है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का नेक्स्ट जो न्यूज़ है एक बेसिकली स्टडी हुई है ब्लैक बक्स के ऊपर तो सबसे पहले हम ब्लैक बक्स के बारे में पढ़ते हैं तो ब्लैक बक इंडियन ब्लैक बक इज़ एन एंटेलोप एंड इट इज द ओनली लिविंग स्पीशीज ऑफ जीनस एंटेलोप इट इज कंसिडर टू बी द फास्टेस्ट एनिमल इन द वर्ल्ड नेक्स्ट टू चीता द हॉर्न्स ऑफ ब्लैक ब्लग आर रिंक्ड विद वन टू फोर स्पायरल टर्न्स जो फीमेल ये जो हॉर्न्स है ये मेल में होते हैं फीमेल्स में नहीं होते दे इन्बिट ग्रासी प्लेन्स है ना तो ये कहाँ पे हैं सेंट्रल इंडिया में एमपी राजस्थान गुजरात पंजाब हरियाणा एंड सदरन इंडिया में तो ये सब जगह मिलते हैं दे हैव बिन डिक्लेयर एज अ स्टेट एनिमल ऑफ पंजाब हरियाणा आंध्र प्रदेश इट इज अ सिंबल ऑफ प्योरिटी फॉर हिंदुइज्म फॉर इट्स स्किन बुद्धिज्म के लिए भी ये गुडलक है एक बिश्नोई कम्युनिटी है ओके okay. तो वो इससे एसोसिएटेड है तो काफ़ी इंपॉर्टेंट कम्युनिटी है ये इंडिया में शेड्यूल वन में है ये तो इनकी हंटिंग इज नॉट अलाउड इन एनी केस आई में लीस्ट कंसर्न में है साइट्स जो कि इंटरनेशनल ट्रेड मॉनिटर करता है उसमें ये अपेंडिक्स थ्री में है अपेंडिक्स थ्री का मतलब जो है कि इंडिया ने इसको एक लिस्ट डाउन किया हुआ है कि हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है तो आप इसमें ट्रेड जो है उसको थोड़ा सा रेगुलेट जो है करो तो इनके लिए एक स्टडी की गई है काफी ये न्यूज़ में रहते हैं कि इनका पॉपुलेशन जो है कम हो रहा है सिर्फ और सिर्फ इंडिया में ही है ये तो इनको थोड़ा सा ध्यान दो तो इनके लिए एक स्टडी की गई है द ब्लैक बर्क इज फाउंड ओनली ऑन इंडियन सब कॉन्टिनेंट आई ने द एनिमल्स आर सीन तो ये कहा गया कि इंडिया में ये नदरन सदरन और ईस्टर्न रीजन में डिवाइडेड है ये हमने भी देखा ठीक है नदरन सदरन और ईस्टर्न रीजन में डिवाइडेड है तो ये पता लगाया गया कि ये तीन जगह पे ऐसे कैसे चले गए तो ये कह रहे हैं कि पहले जो ये हैं ये नॉर्थ साउथ में डिवाइड हुए होंगे दो ग्रुप्स बने होंगे नॉर्थ साउथ और फिर जो ईस्टर्न साइड है वो साउथ से ही निकली होगी ठीक है तो ये कैसे स्टडी हुई है इनके बारे में जो मेल ब्लैक बक वो ज्यादा डिस्पर्स करते हैं मेल ब्लैक बक्स ज्यादा ट्रैवल करते हैं फीमेल ब्लैक बक्स जो हैं वो इतना ट्रैवल नहीं करती ओके उसके बाद जो आ, मेल जो आ, जो है ये इनके डीएनए वगैरह करके इन्होंने इसको अच्छे से जो है स्टडी किया है तो डी एन आइसोलेट करके कि कैसे इन्होंने अडेप्ट किया कैसे ह्यूमन हैबिटेशन के का इनके ऊपर इम्पेक्ट हो रहा है तो ये सारा इनका जेनेटिक स्टडी की गई है जो कि इतनी कोई इम्पोर्टेंट नहीं है बस इतना करो कि ये जो थोड़े बहुत इनके बारे में इन्फॉर्मेशन कि दे एनिमल्स हैं दे ट्रैक द एनिमल्स ऑन द फुट और उन्होंने इनके डीएनए सैंपल्स लिए और फिर सारे का सारा जो डेटा है वो इकट्ठा किया और पता कराया और फ्यूचर में ये भी है कि ह्यूमन्स ने इनको इतने सारे थ्रेट्स जो हैं वो सब हुए तो उससे कैसे ये सर्वाइव गए और ताकि आगे भी इनके जो सर्वाइवल मकैनिज़म्स हैं उसको हम समझ सकें ओके द जोग्राफिकल सेपरेशन ठीक है ऑफ द डेंस ह्यूमन ये ह्यूमन्स के बीच में कैसे सेपरेट होके रहे ये सब कुछ इन्होंने इसको डिटेल में स्टडी जो है वो किया है अब इस स्टडी का आपके लिए कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है स्टडी ऐसे नहीं पूछी जाएगी जस्ट आपको इतना पता होना चाहिए कि ब्लैक बक्स हैं क्या इनका क्या इंपॉर्टेंस है और ये आ, न्यूज में रहते रहते हैं बार बार तो इनके बारे में हमें पता होना चाहिए मेल्स जो हैं मेल्स के हमने देखा ये हैं जबकि जो फीमेल्स हैं फीमेल्स के कोई हॉर्न्स जो हैं नहीं है ये मेल है ये फीमेल है क्लियर तो ये ब्लैक बक्स के बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन जो है बहुत है तो अभी के लिए इतना ही अब हम करेंगे हमारी एडिटोरियल एनालिसिस नेक्स्ट वीडियो में